जो ट्रेनिंग के लिए एस्पिरेंट आए हुए हैं, अब हम उनको मिलाते हैं, उनके साथ मिलाते हैं आपको कि वो लोग किस चीज़ का ट्रेनिंग लेने आए हैं, कितनी बार आए हैं और कैसा लग रहा है उनको ये इंस्टीट्यूट। तो अब देखिए यहाँ पे कम लगभग 8-9 लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि किस चीज़ का ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये लोग को ये इंस्टीट्यूट या ये ट्रेनिंग सेंटर कैसा लग रहा है, कैसी सुविधाएं हैं और किस तरह से लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। तो मैं बात करना चाहूँगा आपसे, मतलब क्या चीज़ का ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट है SJY प्रोग्राम, ठीक है। क्या है SJY प्रोग्राम? सतत जीविकोपार्जन योजना, जो कि बिहार में अत्यंत गरीब परिवार के ऐसे लोग हैं जिसका कि चयन करने के उपरांत उसे 20,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने के बाद उसको हम लोगों के द्वारा यानी टेक्निकल सपोर्ट से उसको किस तरह से गरीबी से उबारा जाए, इसके लिए हम लोग को यहाँ बुला के फिर ट्रेनिंग हम लोग को बताया जाता है और फिर हम लोग फील्ड स्तर पे जाके इम्प्लीमेंट करते हो। तो गाइस आपको बता दूं, ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, ये ट्रेनिंग लेने के बाद ये उस फील्ड में जाके उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे कैसे आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कब से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट है यहाँ पर? यहाँ पे हमारा कल से 20 तारीख से स्टार्ट है। आपका ट्रेनिंग 20 से स्टार्ट है, आप एक दिन पहले आ चुके हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा ये तीसरा ट्रेनिंग है इस होटल में। अच्छा, यहाँ पे इनका ये तीसरा ट्रेनिंग है। अब अपना कुछ अनुभव आप लोग शेयर करिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जगह और किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है। इस होटल में मेरा तीसरा ट्रेनिंग है और फर्स्ट ट्रेनिंग से अभी देख रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया गया है। पहला ट्रेनिंग जब था उसमें शायद ये होटल न्यू ही था। अच्छा। मगर अभी जब हम तीसरी ट्रेनिंग में आए हैं तो देख रहे हैं बहुत सारे फैसिलिटी है, जैसे कि प्रोजेक्टर लगा दिया गया है, बोर्ड है, हम लोग जो प्रोजेक्ट बना के आते हैं उसके लिए चिपकाने का जगह है, ठीक है। तो इस बार तीसरा ट्रेनिंग में आए हैं तो देखते हैं कि बहुत ही अच्छा अनुभव लग रहा है। मतलब डे बाई डे यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है, डे बाई डे यहाँ पे सुधार आ रहा है। चलिए लोगों से बात करते हैं, ये लोगों कैसा लग रहा है, सबसे कुछ फीडबैक लेते हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और कुछ बताइए यहाँ पे। हम लोग बिहार सरकार के SJY जो प्रोग्राम है उनको टेक्निकल सपोर्ट बंधन कोर नगर देती है। अच्छा। उसी से रिलेटेड CBED ट्रेनिंग के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जो कल से स्टार्ट होगी, 23 तारीख तक चलेगी। यानी कि टोटल आपका 3 दिन का ट्रेनिंग है, चार दिन का। तो चार दिन में यहाँ पे, यहाँ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है खाने में, रहने में? पहली बार आए हैं आप? पहली बार? हाँ, पहली बार है। दूसरी बार आए हैं यहाँ पे? पिछले बार और इस बार में आपको क्या अंतर लग रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं। और पिछले बार क्या कमी थी जो कि आपने बताया उसको ये लोग उसको मतलब कर पाया? अच्छा, नहीं, पिछली बार भी ठीक ही था और इस बार जैसे ये लाइटिंग वाइटिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस नज़र आ रहा है और बाकी तो अभी हम जस्ट तुरंत ही आए हैं, कल से हम मेरा ट्रेनिंग शुरू होगा तो जैसे पता चलेगा बताएं। खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छा, अच्छा मिल रहा है सब? बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन मिनरल सब कुछ मिल रहा है आपको? सब चीज़ बहुत बढ़िया है। अच्छा, ट्रेनिंग के तौर पे होता है? ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा होती है, सुविधाएं भी देती है। और ये पहले हम दूसरी बार यहाँ पे आए ट्रेनिंग में, एक चीज़ नेटवर्किंग पहले नहीं था लेकिन इस बार देखे उनकी भी सुविधाएं लगता है। कैसा नेटवर्किंग? वाईफाई नहीं, नेट प्रॉब्लम था? नहीं, नेट प्रॉब्लम था। अभी कैसा है? अभी ठीक पकड़ रहा है। ठीक है, यानी कि डे बाई डे मतलब ट्रेनिंग सेंटर अपना अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। आप बताइए आप कितने बार आ गए? दूसरी बार है। आप भी दूसरी बार आए? हाँ। पहले से अच्छा है? हाँ, पहले से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। थोड़ा सा अच्छा है, खुश है? हाँ, खुश है। आप बताइए। हम दूसरी बार आए हैं यहाँ पे, पहले से बहुत अच्छा है। पहले से अच्छा है और मतलब खुश है ना यहाँ पे ट्रेनिंग करके? अगर मैं बाकी जगह से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है ट्रेनिंग करना? ट्रेनिंग के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आउटसाइड में हैं, ये थोड़ा सा है, मगर यहाँ पे जो आराम से रह करके और इत्मीनान से एकदम बिल्कुल संतुष्ट होकर के जो ट्रेनिंग लेता है ना आदमी, वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बाकी और जगह देखेंगे हम लोग कि शाम को बंदा निकल जाता है घूमने के लिए, तो यहाँ ऐसा कुछ हमको नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय ट्रेनिंग में दे पाते हैं इसमें। अच्छा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं तो बिल्कुल 100% फोकस्ड होकर यहाँ पर ट्रेनिंग बिल्कुल आसानी से, और ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के तौर पर यहाँ पर ट्रेनिंग लेके जाएंगे, अपना नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, इन्हांस करेंगे। तो ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग के लिए जगह है और मैं उन गवर्नमेंट और प्राइवेट उन ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जो लोग ट्रेनिंग कराना चाहते हैं अपने लोगों की, तो इससे उपयुक्त जगह मुझे नहीं लगता कि होगी जहाँ पे इतना अच्छा ट्रेनिंग इतने अच्छे माहौल में आपको मिल सकता है। और दूसरा बता दूं कि बिहार का ये पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होती है, किसी तरह का ये होटल नहीं है, किसी तरह का ये वेडिंग अरेंजमेंट सेंटर नहीं है।
तो अगर आप ट्रेनिंग कराना चाहते हैं अपने लोगों की तो इस जगह पे जरूर आइए। 100 लोगों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कॉन्फ्रेंस हॉल, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इससे अच्छी जगह आपको नहीं मिल सकती है और रिफ्रेशमेंट के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर ट्रेनिंग कराना चाहते हैं इससे अच्छी जगह नहीं, जरूर यहाँ पे आएँ और अपने लोगों को बुक करें ट्रेनिंग के लिए। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।